इंदौर जिले में 49 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए, जबकि नेगेटिव की संख्या 1452 थी। कल 1512 सैंपल टेस्ट किए गए थे। पूर्व में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उपचार से स्वस्थ होने पर कल 20 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं अब तक इंदौर जिले में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद स्वस्थ होने पर 3,435 लोगों को विभिन्न हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई है। जिले में अब 1,003 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का उपचार चल रहा है, जबकि विभिन्न क्वारंटाइन सेंटरों से 4,455 लोगों को छुट्टी दे दी गई है। इंदौर जिले का रिकवरी रेट 73.64% हो गया है, जबकि जिले का डेथ रेट 4.84% है। हमारे पास रिपोर्ट आई थी, इसमें से 1568 टेस्ट लगाए गए थे, जिसमें से 1504 नेगेटिव और 45 पॉजिटिव आए थे। कल की जो पॉजिटिव रिपोर्ट थी वो 2.8% आ रही है, और टोटल जो हमारे अभी तक पॉजिटिव हुए हैं वो 4709 पॉजिटिव अभी आए हैं। टोटल 85,000 के लगभग हम लोग टेस्ट लगा चुके हैं, तो ये पॉजिटिविटी रेट हमारी 5.5% के लगभग बैठ रही है। कल 3 मृत्यु के बाद टोटल मृत्यु 229 हो गई हैं, और हमारी फेटेलिटी रेट 5 के नीचे ही चल रही है, 4.8% है। कल 17 लोगों को डिस्चार्ज करने के बाद 3,452 लोग हमारे सकुशल घर पहुंच चुके हैं, और रिकवरी रेट निरंतर सुधरते हुए 74% पर आ गई है। अभी 1,028 लोग ऐसे हैं जो अपना स्वास्थ्य लाभ अभी अस्पतालों में ले रहे हैं। सर, इसमें कुछ नए और निकले हैं कोरोना? जी, 45 जो नए निकले, इसमें कुछ क्षेत्र अभी नए सामने आए हैं, और उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराई जा रही है।